और आप देख सकते हैं कि मेरा कमरा सारा दिन फैला ही रहता है, क्योंकि बच्चों वाले घर में ये तो होता है और यही ज़िंदगी की पहचान है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए व्लॉग लेकर आई हूँ जिसमें मैं आप लोगों को एक रिव्यू दे रही हूँ। और ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, अगर आप देखें तो ये एक सोफ़ा कम रिक्लाइनर है। ऑब्वियसली मेरे ट्विन्स हैं तो मैंने दो मंगवाए थे ये, एंड इसमें बहुत सारे प्यारे प्यारे शेप्स हैं, बहुत प्यारे प्यारे इसकी शक्लें हैं। 4-4.5 हज़ार रुपये तक का ऑनलाइन मिल जाता है, और अगर आप गोल्ड प्लस से जाके लेंगे तो आपको 3-4 हज़ार रुपये तक का मिल जाएगा ये सोफ़ा कम रिक्लाइनर। आप देख सकते हैं ये बच्चा सो भी सकता है इसमें बड़े आराम से, और अगर आप इसको बंद कर दें ये ऐसे करके बंद होता है, ठीक है। ये एक डायरेक्शन बंद हो गया, देखें यहाँ पे जिप्स लगी हुई हैं, उतार के ये वॉशेबल है, धुल भी सकता है। वेलवेट टाइप का इसका कवर है, रेगजीन नहीं है, वेलवेट है, रेगजीन अच्छा नहीं होता, ठीक है। और ये देखें मैंने ये बंद कर दिया और ये बन गया इनका बैठने का सोफ़ा। और ये मैं दीवार के साथ रख देती हूँ, अब आपको दूर से दिखाती हूँ। आप ये देखें ये इनका सोफ़ा है, इस पर ये बहुत इंजॉय करके बैठती हैं, इनको बहुत मज़ा आता है। और ये जो है इनका रिक्लाइनर बन गया इस तरीके से, और बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोग इसको बहुत इंजॉय करेंगे अगर आप अपने बच्चों के लिए लेंगे। मेरी बेटी यहाँ पर बैग लेके घूम रही है और हम उसको छेड़ रहे हैं कि तुम शॉपिंग पर जा रही हो क्या, जो तुम इस तरह से बैग लेके घूम रही हो। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं सब इन लोगों ने फैलाया हुआ है, और मेरे हाथों का हाल देखें, सर्दियों ने क्या हाल कर दिया। हमारे गैस नहीं आती तो हम दिन रात ठंडे पानी यूज़ करते हैं, इस वजह से मेरे हाथों का भी बुरा हाल हो गया है। और आप लोग बताइए, आप लोग के पास कोई अच्छी चीज़ है या आप लोग किसी चीज़ का रिव्यू देखना चाहते हैं? क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, उनको पर्सनली ऐसी पर्सनलाइज चीज़ें अच्छी लगती हैं, जो कि बच्चों को जो है थोड़ा सा एंटरटेन करें, उनको स्पेशल फील कराएं। तो मेरी हमेशा से कोशिश ये होती है कि मैं अपने बच्चों को कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ें लेके दूं जिससे वो स्पेशल फील करें। हम पलंग पे बैठे हुए होते हैं या चेयर्स पे बैठे हुए होते हैं, तो मेरे बच्चों को फील होता था कि हमारे पास बैठने की कोई जगह नहीं है, फिर वो पलंग पर बैठना डिमांड करते हैं, फिर पलंग से वो गिर जाते हैं। तो इससे बेहतर ये है कि आप उनको उनकी ही काम की चीज़ लेकर आएँ और उनको ला के दें। अच्छा, छोटे बच्चों के लिए छोटे सोफ़े आते हैं वो बिल्कुल बेकार होते हैं, क्योंकि वो 6 महीने 3 महीने से ज़्यादा चलते नहीं। उससे बेहतर ये होता है कि आप बूस्टर चेयर ले लें, जो कि आपको लॉन्ग टर्म चलती है। बूस्टर चेयर पर भी मैं रिव्यू करूँगी इंशाल्लाह किसी दिन। अभी फ़िलहाल मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो मैंने वो सीढ़ी से बंद करके रख दी हैं। तो मेरा ख्याल था कि अभी इस चीज़ को आए हुए 1 हफ़्ता हुआ है तो मैं आप लोगों को इससे इंट्रोड्यूस करवाऊँ और आप लोगों को बताऊँ कि मेरे पास जो है ये चीज़ आई है और ये कितनी यूज़फुल चीज़ है। इसके साथ ही साथ पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, सब लोग रो रहे हैं, लेकिन प्याज भी बहुत महंगी हो गई है, मगर हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं रहा। चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, गोश्त मुर्गी हर चीज़ के दाम आसमान तक पहुंच गए हैं, और हम जो है वो बहुत बेबस आवाम की तरह बैठे हुए हैं, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। बस क्या कर सकते हैं, यही ज़िंदगी है। पाकिस्तान में रहते हैं तो हमको इन सब चीज़ों से निमटना ही पड़ता है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानियों का कोई पुरसाने हाल नहीं, क्योंकि हम अपने बारे में ख़ुद नहीं सोचते। प्याज महंगी हो गई, प्याज इस्तेमाल करना बंद कर दी, एहतियात नहीं करेंगे, एहतजाज भी नहीं करेंगे, लेकिन हम चीज़ें इस्तेमाल करना बंद कर देंगे ज़रूर। और इस तरह से नहीं होता, हमें चाहिए कि हम आवाज़ उठाएँ, एहतजाज रिकॉर्ड कराएँ, चीज़ें ख़रीदना बिल्कुल बंद कर दें ताकि वो चीज़ नॉर्मल दामों में आना शुरू हो जाए। बाकी ये है कि बच्चे हैं, बच्चों को स्पेशल फील कराएं, बच्चों को अच्छा फील कराएं और अपने दिन को कारामत बनाएं किसी भी तरीके से। अगर स्पेस है, गुंजाइश निकलती है, तो अपने बच्चों के लिए ज़रूर उनकी मनपसंद चीज़ें ख़रीदें और उनके आराम का ख्याल रखें, उनको स्पेशल फील करना बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अगर आपको मुझे कुछ कमेंट्स करने हैं मेरे इस वीडियो के ऊपर, आपको ये चीज़ पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस चीज़ का, इस सोफ़ा कम बेड का मैं परचेज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप वो जाके देख सकते हैं, ज़रूर देखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।